कक्षा 10 के भैया, आज हम अंगूर का गुच्छा बनाना सीखेंगे। जो पहले हमें ड्रॉ करना है वो HP की पेंसिल से बिल्कुल लाइट वर्क ड्रॉ करना है, उसके बाद हम शेड करेंगे। दो के बीच में एक अंगूर बनाते चले जाएंगे, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, हमें ज़्यादा बड़ा गुच्छा नहीं बनाना है। एक छोटा गुच्छा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप इसमें पत्ती बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। एक पत्ती मैं इधर बना रही हूँ। कुछ इस तरह से अंगूर की पत्ती होती है। इसमें हल्के से कट होते हैं छोटे छोटे। एक पत्ती मैं इधर बना देती हूँ। ये मैं आधी पत्ती बनाऊंगी इधर। आधी पत्ती इसके पीछे छिपी हुई है। अब इसमें शेड करने के लिए मैं सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ करूँगी। पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे और जो उसकी पेंसिल की नोक है और जो इसकी रेखा है उसको मिलाएंगे और जिस शेप में आकृति है उसी शेप में उसको घुमा दूँगी। एक साइड से मैं घुमा रही हूँ। आधे अंगूर में शेड करने हैं।
हमें इसमें छाया व प्रकाश का भी ध्यान में रखना है। जिस साइड से प्रकाश पड़ता है वो लाइट होती है, जिस साइड प्रकाश कम पड़ता है वहाँ पर डार्क हो जाता है। तो ये एक शेड मैंने दी है अभी कूबी की पेंसिल से। अब इसको हल्की हल्की शेड देंगे। बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ 4B की पेंसिल। सेम वर्क इस पेंसिल से करना है। अब ये शेड और गहरी हो जाएगी एक साइड से। अंतर दिख रहा होगा जो मैंने अब की है और जो पहले थी। अब हम 6B की पेंसिल लेंगे और केवल इसकी आउटलाइन करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है शेड करने का। अब बस आप 3 तरह की पेंसिल ले लें, एक HB, एक 2B, एक 4B और एक 6B। अगर आपको लगता है अभी शेड प्रॉपर नहीं आई है तो आप 6B की पेंसिल से एक बार हल्की शेड दे सकते हैं। अब मैं एक पत्ती में आपको शेड बता देती हूँ, दूसरे में आप खुद करेंगे। जो उसकी टहनी है उसमें भी इसकी 6B की पेंसिल से डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, आउटलाइन कर देंगे ऐसे लेटा के। पेंसिल को किनारे किनारे चलाएंगे। मैं 2B की पेंसिल से इसकी आउटलाइन कर रही हूँ पूरी। अब 6B की पेंसिल से इसकी आउटलाइन कर लेंगे फाइनल।
इस तरह से आपको अपनी फाइल में अंगूर का गुच्छा बनाना है और शेड करनी है। धन्यवाद।